मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त का इंतजार कर रही 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 14 नंबर किस्त जारी करने की तारीख जारी हो चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त है वो कब दी जाएगी ये तारीख निश्चित हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त है वो 5 जुलाई 2024 को दी जाएगी और 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 1,250 रुपए भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1,250 रुपए सीधे 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे, यानी कि महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 1,250 रुपए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के भेजे जाएंगे। अगर आप भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि 5 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1,250 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1,250 रुपए आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1,250 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त हमारे गाँव में या फिर हमारे वार्ड में किन किन महिलाओं को दी जाएगी, हम ऑनलाइन सूची कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और अब हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी और आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही में कॉमेंट करके बताएं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है। वही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़े भी 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को अब तक 13 किस्तें दी जा चुकी है और 14 नंबर किस्त है वो 5 जुलाई 2024 को दी जा रही है। तो अगर आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़े हुए हैं तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो जरूर चेक कर लें, अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें, क्योंकि जिसका नाम सूची में होगा उसी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1,250 रुपए दिए जाएंगे। मेरी हमारे साथ और बाकी की जानकारी हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल के द्वारा दिखाते हैं कि आप अपना नाम सूची में कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तो वीडियो को शुरू करें। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 2024 से लेकर अब तक 9,455 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त अभी 5 जुलाई 2024 को 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जा रही है। तो आप अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें कि आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपका नाम पात्रता सूची में शामिल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है और इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको अंतिम सूची पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों अंतिम सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। हमारे पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है जिस पर मैसेज आ सके उसके बाद में कैप्चा कोड दिए गए हैं ये हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद में ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर 4 नंबर का ओटीपी आएगा, तो जैसे ही ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, हमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ओटीपी टाइप कर देना है, उसके बाद में ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में अंतिम लिस्ट मिलेगी, दो तरह की मिलेगी, यहाँ पर एक लिस्ट है पात्र महिलाओं का नाम है, दूसरे में अपात्र महिलाओं का है, यानी कि किसको 14 नंबर किस्त 1,250 रुपए दिए जाएंगे और किसको 1,250 रुपए नहीं दिए जाएंगे, ये यहाँ पर पात्र और अपात्र महिलाओं की लिस्ट दी गई है। तो साथियों सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले
हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए किसको मिलेंगे, तो हम पात्र महिलाओं की लिस्ट चेक करते हैं। तो जैसे ही अंतिम लिस्ट पात्र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट चेक करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, क्षेत्र वार और व्यक्ति विशेष वार। यानी कि हम अगर अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट में नाम हमारा है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर हम अपनी समग्र आईडी नंबर या फिर लाडली बहना योजना के फॉरम नंबर टाइप करके यहाँ से सूची में नाम चेक कर सकते हैं। अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारे गांव में या फिर हमारे वार्ड में किन किन को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए दिए जाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्षेत्र वार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमने फॉर्म कौन से चरण में भरा है, पहले चरण में भरा है या फिर दूसरे चरण में भरा है, तो सबसे ज्यादा फॉर्म है वो पहले चरण में भरे गए, तो हम यहाँ पर प्रथम चरण सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जनपद का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गांव या फिर वार्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे और अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने अंतिम लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर इस तरह से पूरे गांव की सूची आ जाएगी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के लिए कौन महिला पात्र है और कौन महिला अपात्र है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलते हैं आवेदन क्रमांक, उसके बाद में महिला का नाम, उसके बाद में परिवार में मुखिया का नाम और मुखिया के साथ में क्या संबंध है, और यहाँ पर जिसका अपात्र दिया गया है पात्रता में, तो उस महिला को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए नहीं मिलेंगे। जिस महिला का आवेदन की स्थिति में पात्र दिया गया है उस महिला को लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए मिलेंगे, और जिस महिला का यहाँ पर अपात्र दिया गया है उस महिला को लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए नहीं मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। जिस महिला की 60 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है उन महिलाओं को इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए अपात्र कर दिया गया है, और इस बार लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए सीधे महिला के बचत खाते में भेजे जाएंगे। महिला का जिस बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, जिस बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है, जो महिला स्वयं के नाम से बचत खाता है, उसी बचत खाते में 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए मिलेंगे और 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 14 नंबर किस्त के 1250 रुपए भेजे जाएंगे। हालांकि किस्त में अगर बढ़ाया जाता है तो 250 रुपए और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब अगर हमें चेक करना हो कि अभी तक हमें कितनी किस्तें मिल चुकी है, हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है, तो हमें क्लिक कर देना है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, उसके बाद में हमें यहाँ पर लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, ओटीपी भेजने पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यानी कि लाडली बहना योजना का जो हमने फॉर्म भरा था उसमें जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करेंगे, खोजें पर क्लिक करके हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक हमें कितनी किस्तें दी जा चुकी है, यानी कि कितने रुपए दिए जा चुके हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी, हम अपने गांव की सूची कैसे चेक कर सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 14 नंबर किस्त 5 जुलाई 2024 को दी जाएगी और 1250 रुपए 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।